नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने जो गुजरात इलेक्शंस हैं उनकी तारीखें निर्धारित कर दी हैं, जिस वजह से सभी पार्टियां तेज़ी से चुनाव प्रचार को मतलब आगे बढ़ा रही हैं और मतलब सभी पार्टी अपने अपने स्तर पे मतलब कर दी हैं। उसी के रिगार्डिंग जो अभी ओपिनियन पोल्स वगैरह चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, वो हम आज मतलब यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों, जैसे गुजरात इलेक्शन ओपिनियन पोल बम्पर रोड से गुजरात जीतेगी बीजेपी सर्वे में जानिए किस पार्टी को कितनी सीटें। नवभारत टाइम्स और ETG के ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हाईलाइट, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के ऐलान के बीच आया नया सर्वे। टाइम्स नवभारत टाइम्स और ETG ओपिनियन पोल में गुजरात में फिर बीजेपी को 125 से 130 सीट, जबकि कांग्रेस को 29 से 33 लगभग सीट। अहमदाबाद, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से गुजरात असेंबली इलेक्शन 2022 का ऐलान हो गया है। गुजरात में 2 चरणों, 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि रिजल्ट हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे। इस बीच नवभारत टाइम्स और ETG का गुजरात को लेकर ओपिनियन पोल सामने आया है। इसमें गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 29 से 33 सीट मिलती दिख रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है? ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है, इसके बारे में बताया गया है। पोल के अनुसार बीजेपी विकास के मॉडल पर 45% वोट हासिल कर रही है, वहीं मजबूत संगठन के बलबूते बीजेपी 19% वोट पा रही है, जबकि गुजरात में कमजोर विपक्ष के कारण 27% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें? बीजेपी 125 से 130, जबकि कांग्रेस के खाते में 25 से 33 सीट। वहीं अगर आपकी बात करें तो 20 से 24 सीटें आपको मतलब मिलने की उम्मीदें हैं और अन्य के खाते में 2 से 4 सीट ही जाएगी। किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है? बीजेपी को 45% वोट, कांग्रेस को 21% वोट। वहीं आपको देखें तो आपका वोट शेयर कांग्रेस से भी ज़्यादा और इस बार और बढ़ रहा है, जैसे कि 29% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं आदर्श के खाते में 5% वोट ही जाएंगे। गुजरात में 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने यह घोषणा की है। गुजरात के कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी ने गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। गुजरात में दम दिखा रही है आम आदमी पार्टी। इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक के दर्जनों बार वहां का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ समय से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गुजरात में सैकड़ों करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो उस चुनाव में बीजेपी को 49.05% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42.97% मत मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, इस वजह से विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 111 हो गई थी, जबकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 62 पर ही रह गई थी या 62 पर पहुंच गई थी। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ही रोचक जानकारी को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।